सुधीर भाई जुड़े हैं कैंप फायर में, ये धुआं लग रहा है आंखों में अभी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नए ब्लॉग में। और हम निकल पड़े हैं साइकिलिंग के लिए। सुबह में निकले थे तो 6:30 के पहले निकल चुके थे, बहुत अंधेरा था तो कुछ नहीं ले पाए थे, लेकिन कुछ कुछ दृश्य हम आपको उसके भी दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम अभी टोल बूथ से पास हो रहे हैं। बिना टोल टैक्स के सनराइज भी हो चुका है, सुबह की पहली किरण जैसे हमें सूरज नारायण आशीर्वाद दे रहे हैं। हम यहाँ पर रुके हैं टी ब्रेक के लिए, और ये चाय वाले भाई भी हमारे साथ है। ठंडी बहुत है और सुधीर भाई जुड़े हैं कैंप फायर में। ये देखिए दोस्तों, ठंड का प्रभाव दिख रहा है और आग जलानी पड़ रही है, इतनी ठंड है अभी। अभय भाई को बहुत ठंड लग रही है। हमने खबर दी, बहुत ठंडी है भैया, ज्यादा ठंडी हो गई है। फायर करने की जरूरत पड़ गई है, टी ब्रेक के साथ फायर ब्रेक। ये धुआं लग रहा है आंखों में अभी। हम थोड़ी टोपी भी तपा लेते हैं गरम गरम। दोस्तों, ये वृक्ष हमें कितने काम आते हैं इसका एक उदाहरण है। आज ये वृक्ष की सूखी लकड़ियाँ हमें जलाकर वो हमें गर्मी दे रही है। खुद जलकर जो दूसरों के काम आते हैं, ये इसका एक उदाहरण है। दोस्तों, टी टाइम चल रहा है और ये गर्मा गर्म चाय आ गई है। ये सुधीर भाई ने उल्टे हाथ से चाय पकड़ा दी है, ठीक है, अब सही है। तो हम चाय पीने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, हम चाय के ब्रेक के बाद अब वापस लौट रहे हैं। पूरा उजाला हो चुका है। आज के दिन में ठंडी बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन साइकिल चलाने से थोड़ा बेहतर फील हुआ है। अभी थोड़ी गर्माहट
आ गई है। दोस्तों आज का व्लॉग थोड़ा छोटा बना है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सके हम। कोशिश करेंगे दूसरे व्लॉग में हम कुछ ज़्यादा बातें करें। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हुए हम वापस लौट रहे हैं। आज ठंडी थोड़ी ज़्यादा लगी है लेकिन मज़ा आया, एनर्जी आ गई साइकिल की वजह से। तो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। सबका दिन शुभ रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे।